नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रीट 2022 जो दोबारा आपकी संशोधित अनुसूर की आएगी वो कब तक आएगी, उसको लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले सभी जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, थर्ड ग्रेड के हैं, सेकंड ग्रेड के हैं, फर्स्ट ग्रेड के हैं, तो सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी टीचर्स डे आप सभी को। और ऐसे ही आप अपने जीवन में तरक्की करते रहें, तैयारी करते रहें और इस बार सिलेक्शन ज़रूर लें। तो चलिए अब हम बात करते हैं, जो पूरी ऑफिशियल अपडेट आई है वो आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। पूरी अपडेट आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देने वाली है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर एक छोटी बड़ी अपडेट थर्ड ग्रेड से रिलेटेड आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। जब तक थर्ड ग्रेड नहीं होगी तब तक जितनी भी अपडेट्स आएंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ आपको इस चैनल पर प्रोवाइड होने वाला है। तो अभी से सब्सक्राइब करके रख लेना, आपके लिए चैनल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पूरी अपडेट मैं पढ़ देता हूँ। देखिए, रीट 2022 फाइनल आंसर की शीघ्र हो सकती है जारी। देखिए, मैंने रिजल्ट को लेकर कल एक वीडियो बनाया था कि रिजल्ट आपका 15 से 20 दिन टाइम लगेगा, और बहुत सारे दोस्त ऐसा भी कह रहे थे कि सर जो दूसरी जो संशोधित अनुसूर की है वो जारी नहीं होगी, सीधा रिजल्ट आएगा। लेकिन मैंने कहा था कि देखो, संशोधित अनुसूर की जरूर जारी होती है, जो पर्सन बोर्ड डिलीट करेगा, बोनस देगा, तो वो सारे उसके बाद एक अनुसूर की जारी होगी और उसके बाद आपका परिणाम तैयार किया जाएगा। तो ऐसा ही इस बार भी होने वाला है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2022 की अंतिम उत्तर कुंजी शीघ्र ही तैयार हो सकती है। बोर्ड द्वारा इसकी तैयारी की जा रही है और लगभग तैयारियां हो भी चुकी हैं। बोर्ड द्वारा 23 और 24 जुलाई को रीट परीक्षा 2022 का आयोजन किया गया। इसी में रीट 2021 के सेकेंड लेवल के पेपर का भी बोर्ड ने आयोजन किया था। इसके बाद बोर्ड ने 18 अगस्त को रीट 2022 की आंसर की जारी की थी। इन पर 25 अगस्त तक आपत्ति मांगी गई थी। बोर्ड को मिली विभिन्न प्रश्नों पर आपत्तियों का निस्तारण विषय विशेषज्ञों द्वारा करवाया जा रहा है। बोर्ड के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि यह काम लगभग अंतिम चरण में चल रहा है। इसके पूरा होने के बाद बोर्ड अंतिम उत्तर कुंजी अभ्यर्थियों के अवलोकनार्थ जारी करेगा, यानी अंतिम उत्तर कुंजी आपकी जारी कर दी जाएगी। फिर उसके बाद बोर्ड है वो फाइनल रिजल्ट आपका डालने वाला है। और लगभग देखिए, इसके अंदर 5-6 दिन तो इसी के अंदर टाइम लग सकता है। फिर उसके बाद में 5-6 दिन बाद में आपका परिणाम जारी कर दिया जाएगा। तो यानी अब आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, लगभग 10 या 15 दिन का टाइम और लगेगा, सब कुछ आपका रिजल्ट वगैरह जारी हो जाएगा। और ऐसी हमें मांग भी करते हैं कि जल्द ही आपका रिजल्ट जारी किया जाए। तो मेरे ख्याल से आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, आपके लिए चैनल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अभी मैं आपसे ये कह रहा हूँ, चलिए आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।